आपके घर के सामने की सड़क टूटी पड़ी है, घर के आगे कचरा पड़ा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, बैठने को कुर्सी नहीं है, आप पूछते हो क्या मैंने तनख्वाह दिया था कहां गया? क्यों? उठो, जागो, अपने हक अधिकारों के लिए आगे बढ़ो, खुद को पहचानो, अपने हक अधिकारों को जानो, हक और न्याय की जंग में साथ दो, आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। संविधान के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। संविधान के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज इट? व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लॉस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कोई नहीं बता पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक वो बुक है जिस आप बताओ बताओ एस्टैब्लिश अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजंस ऑफ द नेशन। सबको सुनाओ ना। एस्टैब्लिश अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिटीजंस ऑफ द नेशन। विद इन द सिटीजंस ऑफ फॉर द सिटीजंस ऑफ द नेशन ऑफ दिस नेशन। दैट इज वन पार्ट। बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू पार्ट्स। मैं ब्रॉडली इसको बनाया हूं आपको समझाने के लिए। एक पार्ट में तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? राइट टू फ्रेम लॉज टू रन दिस कंट्री। लॉ बनाया जाता है कि कंट्री इस लॉ के अनुसार चले। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग इग्नोर भी करते हो, जानना चाहते भी नहीं हो और जानते भी नहीं। कोई जानता है दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैज टू बी प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। वो सब लिखा हुआ है जिसमें आता है आपका राइट टू हेल्थ, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एवरीथिंग। आपको पता है यहां तक है राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एंड नॉन कंटेमिनेटेड वाटर, ये भी है। अब क्या होता है, देखिए आप लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे कमा के आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं? आप भी भरते हैं, आपके पापा भरते होंगे, आप कमाओगे, आप भी भरोगे, करेंगे ना? क्यों भरते हैं इनकम टैक्स? किसी को स्लाइटेस्ट नॉलेज हो क्यों भरते हैं? देश के लिए रेवेन्यू से क्या करते हैं आगे? रेवेन्यू है वो तो ठीक है, उसको क्या करते हैं आगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर बना दिया, सड़क बना दिया, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, वो तो हो गया। लेकिन उसमें जो एम्प्लॉइज एंगेज किया उस काम को करने के लिए, उनको सैलरी भी देते हैं आप इसी पैसे से देते हैं। तो सैलरी कौन दे रहा है अल्टीमेटली? दे रहे हैं आप। एक साल मत दीजिए इनकम टैक्स, अपने पापा से पूछिए क्या होगा। अतकड़ी सीधा आप फोटो देखोगे, उसमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है कि अपना कर समय से चुकाइए। समय से चुकाइए नहीं लिखा है, समय से। अगर समय के बाद दिए तो चल माना, और नहीं तो अतकड़ी वाला फोटो दिखाता है, उसमें दिखाता है। लेकिन आपके घर के सामने की सड़क टूटी पड़ी है, घर के आगे कचरा पड़ा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, बैठने को कुर्सी नहीं है, आप पूछते हो क्या मैंने तनख्वाह दिया था कहां गया? क्यों क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि हम खुद अपने हक अधिकारों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। वंचित इसलिए हैं आप, अगर अपने हक अधिकारों को आप जान जाएं तो आप हक अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने नारा दिया है, खुद को पहचानो, अपने हक अधिकारों को जानो। मीडिया का रोल देखिए, बड़े सिंपल तरीके से एक रोल समझाता हूं आपको। अमिताभ बच्चन जी सिद्धि विनायक मंदिर गए, कितने जगह छपा कारण है।
गणेश जयंती पर अमिताभ पहुंचे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर, पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। सपना क्या फायदा करेगा देश का, वो फोटो वो न्यूज देश को कुछ फायदा करेगा क्या? बाहर 1000 भिखारी बैठे थे ऐसे मांगने के लिए, किसी ने नहीं कहा। क्यों? आपको पता है बेगरी बैन है, कभी छपता है? वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, छोटे छोटे चौराहे में बच्चे आप देखेंगे कि भीख मांगते हैं, कभी किसी ने कहा नहीं? कहा? कोई मीडिया कहीं नहीं उठाता है, इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठती है। नहीं तो बेगरी खत्म हो जाए, चाइल्ड राइट्स वायलेशन खत्म हो जाए, यहां तक कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बना दिया गया, हर स्टेट में चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन बना दिए गए, लेकिन चाइल्ड राइट्स अभी भी हैम्पर्ड है उसी तरह से। वरना अगर उस बच्चे की देखभाल उस उम्र से हो तो क्रिमिनलाइजेशन होगा क्या बच्चों का? बच्चे क्रिमिनल बनेंगे क्या? लेकिन देखा ही नहीं जाता है, आप एजुकेशन उसको देते नहीं है और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिमिनल ना बने, कैसे पेट कैसे भरेगा? तो अपना राइट्स आपको समझना है वो तो एक बात है, लेकिन चूंकि आप मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट नो दैट बिकॉज ऑफ यू दिस कंट्री कैन गो टू डॉग्स, इट कैन गो टू हेवन। आप इसको ऊपर भी उठा सकते हो, आप इसको नाले में भी जा सकते हो, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि इसको देश को ऊपर उठाना है या नीचे गिराना है। अगर नीचे गिराना है तो बाकी जैसे लोग करते हैं उस तरह कर दीजिए, चाटू का नाटक करिए, खूब पैसा मिलेगा। सर, और आपने जागरण की भी बात करी, आपने कावड़ियों की भी बात करी, उनसे जो मशहूर होता है उसकी भी बात करी है। आज से कुछ टाइम पहले एक बहुत फेमस सिंगर ने भी इसी चीज पर कुछ इससे रिलेटेड कहा था कि जो मस्जिदों में आजान के वक्त शोर मचता है, स्पीकर लगे होते हैं, कहीं पर भी चाहे आप किसी भी बड़ी मस्जिद में छोटी मस्जिद में जाए, वहाँ स्पीकर रहते हैं और वहाँ आस पास जो कुछ लोग रहते हैं उनको बहुत से ऐसे हैं जो मॉस्क के नेक्स्ट होता है बट वो नॉन मुस्लिम से, तो उनके लिए बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा एग्जाम टाइम पर। मैं आपसे उस एक मतलब ये जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि जो मस्जिदों में जो साउंड पोल्यूशन होता है स्पीकर से, क्या वो सही है? सही गलत मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ जो परमिटेड डेसिबल्स है साउंड का बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट शुड बी फॉलोड। नंबर वन, इफ इट इज बीइंग वायलेटेड देन जो आप बताए नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनका नहीं, क्यों? मुस्लिम बच्चे पढ़ते नहीं है, उनका नहीं होता है ना, तो उनके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, तो उसको कौन कर्म करेगा? सिविक अथॉरिटीज, वो अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया का भी रोल सकती है इसमें अपना, कभी इसको मीडिया ने उठाया? वो ये उठाएगी कि मस्जिदों में बजता है मंदिर में नहीं बजता है, मस्जिद वाले को नहीं बोलते हैं मंदिर वाले को बोलते हैं, मंदिर वाले को बोलते हैं मस्जिद वाले को नहीं बोलते हैं। आपको लड़ाने की कोशिश जरूर कर दिया लेकिन कभी इस बात को उठाया कि सिविक अथॉरिटीज की क्या जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई या ना निभाई? क्यों? क्योंकि डीएम साहब के साथ बैठते हैं, शाम को चाय का प्याला पीते हैं, गुलदस्ता लेते हैं, चले जाते हैं, डीएम साहब कई बार बुलाते हैं, अरे पत्रकार साहब आइए हमारे बीच में, गार्ड बिल्डिंग हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। मैंने तो मैडम से हाथ जोड़ के बोला था भाई गार्मेंट वगैरह मत पहना दीजिएगा, नहीं तो आंध्र प्रदेश में एक बार बड़ा गड़बड़ हो गया था, वो देखे कि भाई इतने सारे राइट्स हमारे मिलने लगे, जिसको फोन करे उनका काम होना शुरू हो गया, दूसरे दिन 3-4 औरतें आने की टोकरा भर के फूल लेके चढ़ाने के लिए, एक औरत आ गई आरती लेके आते, ये क्या भाई बोली आरती करना, हम कहते यार ये तो फिर आसाराम बाप बना दिया काम खराब। तो आदमी को भगवान एक सेकंड में बना दो और आदमी भगवान बनने के बाद फिर तो भगवान है, फिर तो भगवान को तो ऐश करना है ना, देखो ऊपर बैठा ऐश करना। हमने कहा भाई हमको तो ऐश करना नहीं है, इसलिए भगवान भगवान में जब ये फूल और आरती कल से लाए तो मैं तो आंकड़ा ही छोड़ के चला जाऊंगा। तो इस चीज को कभी नहीं उजागर करेगी मीडिया, क्यों? आप लोग इस क्षेत्र में आए हैं,
मास मीडिया कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स. आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत बार मौका मिला चुनाव लड़के जीतता भी मैं, एमपी एमएलए भी बनता, सब कुछ हो जाता, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया. मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहता. आप अगर ईमानदार बनेंगे और खरी खोटी लिखेंगे और दिखाएंगे, सच्चाई को दिखाएंगे. मेरे चैनल का लोगो है जो मैं आज इस पे तो नहीं करता रहा हूं, लेकिन वो लोगो अगर आप देखेंगे तो सरकारी फाइलें हैं लगी हुई, उसके अंदर मैं ही खड़ा होकर फाइल निकाल रहा हूं और ऊपर लिखा है बेनकाब होगा अब हर सब. बेनकाब होगा अब हर सब. अगर आपने सच को उजागर कर दिया तो किसी को आपके सामने खड़े होने की औकात नहीं होगी, आपसे इज्जत से बात करेगा. इसलिए आप लोग प्लीज अगर मास मीडिया में हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि देश हित में काम करिए. देश हित अगर इंग्लिश में बोले तो क्या स्पेलिंग लिखोगे भाई? देश हित का स्पेलिंग क्या होगा इंग्लिश में? देश हित DESH हित HIT. प्लीज डोंट हिट. हिंदी में हित, देश को हिट मत करिए, देश हित में लिखिए, देश हित में दिखाइए. Friends, for our latest updates on what is happening in this country, please do not forget to watch our videos here. And please, please, please do not forget to subscribe DN News channel by pressing the button right here.